हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेलर टेक एमजी। मेरा नाम है मनीष गोयल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। क्या आप भी अमेज़न सेलर हैं और अभी तक आपको ये समझ नहीं आ पाया है कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें अमेज़न पर? तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर हम बिल्कुल समझने वाले हैं डिटेल में कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं अमेज़न पर। मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ लाइव कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी लास्ट वीडियो जो एक मैंने GTN एग्जम्पशन के ऊपर बनाई थी, उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। उसी के बाद ये सब प्रोसेस आप कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बिना आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जहां हम डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं GTN एग्जम्पशन लेने के बाद। तो स्टे विद मी, आई विल बी बैक। फ्रेंड्स, जब आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेज़ॉन पे, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास कि ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट पे हम अपना प्राइस शोकेस कर सकते हैं और प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है कि जो प्रोडक्ट हम लिस्ट करना चाहते हैं वो अमेज़ॉन पे नहीं है और हम एक फ्रेश लिस्टिंग करना चाहते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। और सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग का भी एक है, और एक मल्टीपल बल्क में अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक अलग ऑप्शन है। तो इस वीडियो में अभी हम कवर करेंगे कि अगर हम सिंगल लिस्टिंग कर रहे हैं और एक ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं जो अमेज़ॉन पर नहीं है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि कैसे वो लिस्ट हो सकता है। बाकी सब चीज़ों के लिए, जैसे बल्क लिस्टिंग करते हैं और ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट पर अपना प्राइस कैसे शोकेस करते हैं, तो वो चीज़ के बारे में मैं उसके लिए एक अलग वीडियो शेयर करूँगा। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि कैसे हम एक अपनी लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं, फ्रेश लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। आप होम पेज पे टॉप पे आपका एक कैटलॉग ऑप्शन दिया हुआ है, कैटलॉग पे जाएंगे तो उसमें ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसमें हम क्लिक करेंगे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपको किस कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट सेल करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वही प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा जिसके अगेंस्ट आपने GTN एग्जम्पशन लिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक में मैंने लिया हुआ है, तो इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक के अंदर मैं अब सब कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब सब कैटेगरी अगर आपकी नहीं है तो आप अदर्स में जाके सेलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। अब ये एक बेसिक डिटेल्स ओपन हो जाएगा। अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट ID और टाइप में आपको ब्लैंक छोड़ना है, और जो भी यहाँ पर मैंडेटरी फील्ड्स हैं जहाँ पर आपके स्टार मार्क्स लगे हुए हैं, उन फील्ड्स को आप फिल कर दीजिएगा। जैसे कि आपका प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम, मैन्युफैक्चरर, पार्ट नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आइटम कितने हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर, कलर क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप देंगे उतना कस्टमर के लिए भी अच्छा रहेगा कि वो आपके प्रोडक्ट को अच्छे से समझ पाएगा और अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो परचेज़ कर पाएगा। तो जितनी अच्छी डिटेल्स यहाँ फिलअप करेंगे और जितनी अच्छी इमेज यहाँ अपलोड करेंगे, तो विजिबिलिटी उससे कस्टमर को बढ़ेगी और रिटर्न के चांसेस कम रहेंगे। जब कस्टमर को आप डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे तो कस्टमर अगर सेटिस्फाई होगा तभी उसको परचेज करेगा। सभी डिटेल्स आप यहाँ भर दीजिएगा, जो जो डिटेल्स आपको समझ में आती हो जो यहाँ, और ध्यान रखिएगा जो भी स्टार मार्क लगे हुए हैं वो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, उनको ज़रूर फिल करिएगा। और जो शिपिंग वाला ऑप्शन था उसके अंदर आप सेल शिप पे ही क्लिक करके आगे प्रोसेस करिएगा। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन के लिए मैं अलग से आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा, तब हम जानेंगे कि FBA क्या होता है और कैसे उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। यहाँ इमेज मैंने अपलोड कर ली थी जल्दी से। अब हम डिस्क्रिप्शन में डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट की फीचर्स में हम कुछ बुलेट पॉइंट्स जैसे होते हैं, वैसे हम कुछ मेन जो हमारे बेनिफिट्स हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड या फीचर्स हैं वो हम डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आता है कीवर्ड्स के अंदर सर्च टर्म में हम कस्टमर ऐसा क्या वर्ड सर्च टर्म में डाले ताकि हमारा प्रोडक्ट उनको विजिबल हो, तो हम यहाँ पर वो डाल सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल स्टेप है। मोर डिटेल्स के अंदर अब जब क्लिक करेंगे तब इसके अंदर आप शिपिंग वेट, शिपिंग डायमेंशंस, प्रोडक्ट वेट, प्रोडक्ट डायमेंशंस, और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ मैंडेटरी किया है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन डालना ज़रूरी हो गया है, तो वो चीज़ आप ज़रूर डालिएगा कंट्री ऑफ ओरिजिन। यहाँ पर इंडिया मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रोडक्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ है और इंडिया से ही यहाँ से शिप होगा।
बाकी डिटेल्स जो भी मैं अपनी फिल कर रहा हूँ यहाँ पर मैं फिल करके आगे प्रोसेस कर दूँगा। अब मैं यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा आपका सेव एंड फिनिश का ऑप्शन, तो मैं उस पर क्लिक करके फाइनली ये मेरा प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा। और 15 मिनट्स का वैसे टाइम लगता है इसको लाइव आने में। मे बी पॉसिबल कि आपकी इमेज अभी लाइव amazon.in पे शो ना हो, तो उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा 24 आवर्स का तक का आप वेट करें, तब तक आपके प्रोडक्ट तो लाइव हो गया है बट फोटो भी लाइव होने में टाइम लग जाता है। तो वैसे तो आपको 15 मिनट्स के अंदर लाइव आ जाएगा बट फोटोज़ आने में मे बी पॉसिबल कि 24 आवर्स तक का टाइम लग जाए। अगर आपको इसके बाद भी कोई स्टेप्स में प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी मेरी वीडियो, और अगर आपके कोई अभी भी डाउट्स रह गए हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं उसको रीड करके उसका सॉल्यूशन आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। तो फ्रेंड्स, बने रहें मेरे इस चैनल पे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे इस चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय।